हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको मेरा प्यार भरा जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और हम लोग कल बनाए थे चिकन, लेकिन वो खा के ख़त्म नहीं किए हैं हम लोग, इसलिए अभी हम बनाने वाले हैं वो जो चिकन है उसका बनाने वाले हैं पत्तल पीठा। वही अभी बनाने का तैयारी करना होगा। पत्ता को भिंगा लेते हैं क्योंकि ये पूरा सूखा हुआ है तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। कल का मीठे इसलिए थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं और इसके ऊपर से देने वाले हैं चावल का जो पाउडर है उसको देने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गमला में निकाले हैं और अभी चावल का जो पाउडर है उसको दे देंगे चिकन में और उसके बाद फिर मिक्स करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हल्दी मसाला और जीरा दे दिए हैं। अभी थोड़ा सा सान ले रहे हैं मीट और जो चावल का पाउडर है उसको। सान लिए हैं और एक चढ़ा दिए वहाँ पे। ऐसे बनाते हैं। ज़्यादा नहीं, बस दो तीन पीठा ही बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट नहीं बचा है। इधर अभी हम माँ के लिए हॉर्लिक्स बना दे रहे हैं। इधर चाय भी चढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं। चाय अभी पिएगी माँ और हॉर्लिक्स बाद में पिएगी क्योंकि हम नहीं रहेंगे बाद में, तो हॉर्लिक्स कौन घोल के देगा। मार्केट तरफ जाने वाले हैं तो इसलिए हॉर्लिक्स बना के रख दे रहे हैं, वो बाद में पी लेगी और चाय अभी दे देंगे। यहाँ पे पत्तल पीठा बना के छोड़ दिए थे, तब तक हम बना रहे थे चाय और हॉर्लिक्स। और अभी आके देख रहे हैं हुआ कि नहीं है, और पता नहीं हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं। इस तरह पलट के देखना होता है पीठा क्योंकि एक साइड नहीं तो पूरा जल जाएगा। और हो गया है एक साइड, दूसरा साइड इसको पलट रहे हैं। लेते हैं ये जो बनाए थे पत्तल पीठा वो खा लेंगे क्योंकि काम तो खत्म नहीं हुआ है और खत्म होगा भी नहीं, इसलिए पहले खा लेंगे उसके बाद ही काम सब करेंगे। और नाश्ता में आज यही बनाया है पत्तल पीठा क्योंकि वो मीट बच गया था तो खाने वाले कोई नहीं उतना, मतलब कितना खाएंगे अकेले मीट। और पत्तल पीठा वैसे तो खाने में अच्छा लगता है, इसीलिए भी मन किया कि पत्तल पीठा बनाए। तो आज के नाश्ता में बस हम लोग का यही है। और ये पत्तल पीठा जब गर्म रहता है तब थोड़ा सा अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है। ऋषभ को भी अच्छा लगता है पत्तल पीठा, इसलिए वो बार बार खा रहा है। तभी खाया, उसके बाद अभी हम खाए, मेरे बाद भी खा रहा है। खाना पीना हो गया है, अभी जा रहे हैं बगान तरफ क्योंकि बगान में भी काम चल रहा है पौधा रोपाई का। ये सब लगाना है, ये काजू है, इधर है साल का, इधर भी साल का पौधा है, इधर भी, और ये चीकू का है, चीकू है, साल है। नींबू छोटा गया नोड़े नींबू। कितने टमाटर है क्या? एक ठो एक ठो तीन सारे एक ना चार ठो ऐसे एक ठो लग गया है और एक ठो यहाँ लग रहा है। कितना मच्छर है देखो। घुस जाओ और बंद कर देंगे वहाँ पे, है ना? तब मैं
पौधा लगाने का काम देख लिए हैं और अभी हम जाने वाले हैं अंदर, क्योंकि बहुत मच्छर काट रहा है यहाँ पे। ओहो अभी ना तो भी ना गया, दिखा अभी ना पे दिखा अभी ना अभी दोनों कभी बना और रामा दिखा चल का तब चूर हम दूर रहते थे मन का पटा गया उनका हम बनाएंगे ओ काटा बेसो को आदो बेसो ने दाड़ी देर करे जे खपावा दाड़ी देर करे जे खपावा मन खटो साया खटो आ खटो तो गुरी लगी तो ठीक हुआ ठीक है तुम घर तुम भाई आ मी दिन अगुई में दई जनो नेल हुई गा मां और दीदी झाड़ू बनाने में लगी हुई है और हम और ऋषभ आए हैं बगान तरफ बैठे हुए हैं और ऋषभ जुमड़ी बहुत ही जुमड़ी है बेचारा दूसरों के घर जाता है पूड़ी खाने तो हम सोचे क्यों ना शाम का नाश्ता पूड़ी ही बनाया जाए इसलिए अभी हम बनाने वाले हैं पूड़ी क्योंकि बेचारा घर में खाने नहीं मिलता है इसको पूरा खेल के गंदा हो जा रहा है चलो फिर से कपड़ा चेंज कर देंगे हाँ ने कहा से नहीं दी आए हिजू मैं आए चा सिकड़ी को गिर में आना हो कहा गजाड़ा सेटर चलाए ना शाम के नाश्ता पूड़ी और इधर में चना सब्जी तो बन गया है और इधर बन रहा है।